बिहार विधान परिषद की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में आज एनडीए की तरफ से 2 उम्मीदवार नामांकन करेंगे। यह दोनों सीटें बीजेपी कोटे की है, लेकिन 1 सीट पर बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को विधान परिषद भेज रही है। बीजेपी उम्मीदवार शाहनवाज हुसैन के साथ साथ मुकेश सहनी आज उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इन दोनों उम्मीदवारों के नामांकन के समय सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी मौजूद होंगे। पार्टी के अन्य प्रमुख नेता भी नामांकन के समय उपस्थित रहेंगे। विधान परिषद की 2 सीटें पिछले दिनों खाली हुई थी। 1 सीट पर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा चले जाने के कारण और दूसरी सीट पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा के विधायक बनने के कारण खाली हुई थी। सुशील मोदी की सीट का कार्यकाल अभी 4 साल और बचा हुआ है, जबकि विनोद नारायण झा वाली सीट का कार्यकाल करीबन 1.5 साल तक बाकी है। दोनों उम्मीदवार सुबह 11 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इससे पहले मुकेश सहनी ने उपचुनाव में उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर हुई बातचीत के बाद सहनी उम्मीदवार के लिए तैयार हो गए थे। अमित शाह से बातचीत के बाद मुकेश सहनी ने कहा था कि एनडीए एकजुट है और बीजेपी उन्हें जिस सीट पर विधान परिषद भेजेगी वो उसके लिए तैयार है।